चलो क्या है, एक कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस कितना है इसका 2 माइक्रोफेरड है ना। पहले उसको चार्ज किया गया 200 वोल्ट बैटरी से, फिर बैटरी क्या कर लिया गया, डिस्कनेक्ट कर लिया गया और उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, ठीक है, डिस्चार्ज कर रहे हैं। रेजिस्टर कितना है आर से, हमको निकालना है वोल्टेज अक्रॉस, हमको ये देखो, हमको ये प्लॉट दिया हुआ है ग्राफ वोल्टेज अक्रॉस टाइम है ना ऑफ द कैपेसिटर। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, पहले कैपेसिटर फुल चार्ज था, कुछ मान लो इस पे चार्ज था Q0 चार्ज था इसका, ठीक है ऐसा। अब इसको रेजिस्टर से कनेक्ट किया गया, अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू होगा, यहाँ पे -Q0 है, ठीक है ऐसा। तो फाइनली ये धीरे धीरे इसका चार्ज कम होता जाएगा है ना, ये क्यू है, ये माइनस क्यू है, ऐसा ये डिस्चार्ज हो रहा है बेसिकली है ना। इस वाले प्लेट से, पॉजिटिव वाले प्लेट से नेगेटिव वाले प्लेट पे उसके चार्ज जा रहा है कि नहीं, समझ रहे हो। तो डिस्चार्जिंग का अगर तुम्हें याद हो तो डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला होता है Q = Q0e−t/RC, याद है। V जो होता है, V क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, Q/C होता है क्या, बोलो होता है। अब C तो चेंज नहीं हो रहा, C तो चेंज नहीं हो रहा, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, यानी कि जिस हिसाब से Q चेंज होगा वैसा ही V भी चेंज होगा, मानते हो। यानी कि मैं सेम इक्वेशन V के लिए भी ले सकता हूँ क्या, है ना, V के लिए भी मैं ऐसा ले सकता हूँ, V इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, बोलो कुछ सम V नॉट e टू द पावर माइनस t बाय आर सी, आई बात समझ, बोलो क्योंकि V जो है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है इसलिए, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं है ना, ये वाला पॉइंट देखते हैं और ये वाला पॉइंट देखते हैं ग्राफ से, ठीक है बोलो। तो यहाँ पे क्या आया, देखो तो यहाँ पे डालो V नॉट की वैल्यू कितनी है, 200 है, V नॉट है t = 0 वाला चार्ज, t = 0 वाला वोल्टेज, और यहाँ पे कितनी है वोल्टेज की वैल्यू पॉइंट B पे, बोलो 100 तो 100 इज इक्वल टू क्या आया, 200 × e−t/tau, ऐसा कुछ, टाउ वही आरसी है हमारा, टाइम कांस्टेंट है ना, बोलो। इस इक्वेशन को 200 को नीचे लेके जाओ तो क्या बनेगा बताओ, 1/2 = e−t/rc, चलेगा। अब लॉग ले लो, तो ln 1/2 = −t/rc, क्यों ln 1/2 होता है, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, ln 1/2 होता है −ln 2, ठीक है, −ln 2 = −t/rc, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास बताओ, RC = t/ln 2, RC = t/ln 2, कुछ नहीं करना है आपको, बस वैल्यू डाल देना है, ठीक है बोलो। कर लोगे अब, ln 2 की वैल्यू कितनी है, 0.7 है, टाइम कितना दिया हुआ, 70 दिया हुआ, 70 मिली सेकेंड है ना। सो अब कुछ नहीं करना है, R × C की वैल्यू देखो तो कितना है, 2 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ = टाइम बोलो, टाइम बोलो 70 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.7 है कि नहीं। अब इसको कर लो सॉल्व, बहुत ही सिंपल है ना, ये आंसर आना चाहिए, 2 × 10⁵ आ जाएगा आंसर, आएगा।
200 किलो ओम, ये आंसर है, समझ गए, सिंपल था। सो सेकंड आंसर दिया है आंसर की में, सेकंड आंसर दिया है। अच्छा हाँ वो सही है, इसको करो ना सिंपलीफाई, सिंपल है ना, वो मैंने गलत कर दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ सिंपल है ना, इसको करो सॉल्व, ये वाला डेसिमल हटाओ तो क्या 700/7, ये क्या आ जाएगा बोलो, आर इज इक्वल टू 100 × 10⁻³ (2×10⁻⁶) है ना, 50 × 10⁻³, 50 किलो। हाँ